एक नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है अल हजरत एक्सप्रेस, जो कि संडे, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलती है। बांदीकुई से चलती है 10 बजे और दिल्ली उतार देती है अपना 2 बजे के करीब। डैमेज बोतल को कैसे दिक्कत ही नहीं, बोतल कर दी भाई फैक्ट्री में तो कट्टी हो रही चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई सारा ने, तो स्वागत है आपका चैनल वेदी ब्लॉक में, मैं पावर 33 वेदी। तो जय श्री बालाजी भाई, मैं हूँ फिलहाल मेहंदीपुर बालाजी में और बालाजी के दर्शन कर सकते हो आप, और ये है राम दरबार, वो राम भगवान के दर्शन कर सकते हो आप। और भाई लाइन हो रखी है भाई साहब, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। और भाई मैं चलता हूँ फिर घर, और देख लो बाबा के दूत आ रखे हैं माई में। और वही मंदिर से आ गया हूँ मैं स्टेशन के लिए। यहाँ ऐसी मतलब गाड़ियाँ हैं जो ये चलती है बांदीकुई, मेहंदीपुर बालाजी से आप बांदीकुई आ सकते हो, 60 रुपये लेते हैं उसके, ये मतलब यहाँ छोड़ देंगे आपको। ये करीबन 1 घंटे का रास्ता है आपकी भाई, ट्रेन वगैरह हो तो आप भाई 15-20 मिनट पहले निकलिए क्योंकि गाड़ियाँ लेट हो जाती है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। और ये है भाई जंक्शन बांदीकुई। तो भाई चलते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन है, टिकट भी लेनी है कूड़े वाली। हूँ भाई बांदीकुई स्टेशन पे, एक नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है अल हजरत एक्सप्रेस, जो कि संडे, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलती है। बांदीकुई से चलती है 10 बजे और दिल्ली उतार देती है अपना 2 बजे के करीब। आज ही शायद डाइवर्ट है, पता नहीं क्यों है, डेली होती है कैसे है, लेकिन आज डाइवर्ट है। तो वेट कर रहे हैं बस, 10 बज गए हैं, 10-15 मिनट में आने वाली है, लेट है थोड़ी सी। कामयाब नहीं हुआ भाई, भाई 10 मिनट रहेगी, 10 मिनट हो ली इसने, 3 मिनट होगी। डैमेज बोतल को कैसे दिक्कत ही नहीं, बोतल कर दी भाई फैक्ट्री में तो कट्टी हो रही। लिखा दिया भाई, झुकेगा नहीं भाई। इससे वाली ट्रेन में चल रहे हैं अपना रिवाड़ी तय, ये मेरा नहीं रूट चेंज कर दिया था पहले, इन्हें फिर ही रूट उल्टा ही आड़े घुमा दिया। ये भाई आड़े अस्थल बोर आ रहे हैं, 1 घंटा हो गया आड़े खड़ी है। ये देखा है मैं भाई साहब, जाँच लेने जाए आगे क्या सिचुएशन है, क्योंकि 2 घंटे कह रहा था एक जना चिप्पस बेचने वाला था। बाकी यार घटिया था ट्रेन है भाई, बेकार है भैया, अस्थल बोर यार गवाने वाली भी ना डटती, अरिया बरेली जाने वाली 1 घंटा डाट दी। भाई अरे अस्थल बोर में 1 घंटा डट के, और जब हम टीटी तो पूछने गए, हमें खुशखबरी मिली कि अब आप जान लग रही है, मतलब दिल्ली दाली होके इस ट्रेन ने भी भाई पागल बना दिए। भागते भागते उतरे भाई, लेकिन अब यहाँ तक 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की शायद ट्रैकिंग है। तो फिर कैसा लग रहा है भाई साहब आपको, चिल हो रहा है, मज़े हो रहे हैं? जाट बाड़क भाई इसने कड़े ट्रैकिंग लग गए हमारे पर, क्या लग गए भाई फिटनेस फ्रीक ने। मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, अपना सेट कंप्लीट कर लेना, कुछ और मत करने लग जाना। यस सर। तो भाई चलते हैं फिर रोहतक से, तो गोहाना की डायरेक्ट है। तो फिर मिलते हैं आपको किसी और इंटरेस्टिंग जर्नी में, किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए भाई इस ट्रेन में सफ़र ना करियो भाई, मजबूरी हो तो किसी ने बेच सक ना था, ट्रेन तो बेकार लगी आज जे भाई, शायद यो रूट रात डाइवर्ट होया है। तो चलो कोई ना, जैसी हमारी किस्मत वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। तो फिर मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए भाई शेयर कर देना, कमेंट कर देना,
नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।